कोविड वैक्सीनेशन को लेकर परेश रावल ने किया ट्वीट तो आ गए सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर। दरअसल इस वक्त देश की जनता की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों ने कमर तोड़ दी। आम आदमी मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पा रहा है, लेकिन इस पर परेश रावल जैसे कई कलाकारों को बोलते हुए डर लगता है। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी की तारीफ करने की बात आती है तो फौरन वो गुणगान करते नजर आ जाते हैं और पीएम मोदी की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब एक्टर परेश रावल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कि 75 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीनेशन दे दी गई है, पीएम मोदी का धन्यवाद करा, जिस पर वो आ चुके हैं सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर और यूजर्स जमकर उनको ट्रोल करते दिखाई दे रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि कोविड में मरने वालों की संख्या भी बता दीजिए, तो कोई कह रहा है बढ़ती महंगाई पर ही कुछ बोल दीजिए आप। आपके साथ शेयर करते हैं कुछ यूजर्स के रिएक्शंस। तो घोस्ट नाम के एक यूजर ने लिखा, इसका क्रेडिट जाता है वैक्सीन कंपनीज को और डॉक्टर्स को, ना कि मोदी को। तो सुरेश कुमार नाम के यूजर पूछते हैं, खर्चा आपने किया है क्या बाबू भैया। तो सौरभ आलम नाम के यूजर ने लिखा, ऑफ कोर्स सर, मोदी जी ही खुद फ्री में मेरे घर पर वैक्सीन लगा कर गए थे। तो आदित्य कुमार नाम के यूजर ने लिखा, पेट्रोल 100 से आगे, इस पर थैंक्स बोल दीजिए। तो धर्मेश सोनी नाम के यूजर ने लिखा, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मोदी जी घर घर जाकर 18 घंटे काम करके टीकाकरण किया हो। मोदी को धन्यवाद करने से कोई लाभ नहीं, धन्यवाद करना है तो हर एक डॉक्टर, नर्स, आरोग्य केंद्र में काम करके घर घर जाकर लोगों को कोविड टीके को लगाने वाले को धन्यवाद करें। कोरोना में तो बीजेपी वाले बिल में छुप गए थे। तो सलमान नाम के एक यूजर ने लिखा, बाबू भैया ऑक्सीजन की कमी से कोरोना काल में कितने मरे वो डाटा भी बता ही दे। तो सनी यादव नाम के एक यूजर ने लिखा, पेट्रोल डीजल पे भी बोल लो थोड़ा, बढ़ती महंगाई भी है सामने। ऐसे कितनी सोशल मीडिया यूजर हैं जो परेश रावल के ट्वीट पर उनको ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।